नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। लोकसभा चुनावों के बाद उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखते हुए सीएम योगी ने एक बार फिर अपनी कमर कस ली है। एक बार फिर सीएम योगी में पहले जैसा जोश आ गया है, एक के बाद एक योगी कड़े फैसले ले रहे हैं। हाल ही में सीएम योगी ने यूपी के बड़े अधिकारियों संग बैठक की थी। इसमें उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए थे, लापरवाही पर एक्शन की चेतावनी दी थी। इसके बाद अब कैबिनेट की बैठक पर सभी की निगाहें थी, जिसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जो आज चर्चा का विषय बन गए। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में तबादला नीति 2024-25 को मंजूरी दी गई है। लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक है जिसमें ये प्रस्ताव पास हुए हैं। सरकार की ये पहली पेपरलेस कैबिनेट बैठक रही। वहीं लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद ही योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्रियों को संवाद, समन्वय और संवेदनशीलता का मंत्र देकर एक बार फिर से जनता के बीच जाने के निर्देश भी दिए। तो चलिए बिना देर किए हुए आपको सीधे बताते हैं कि आखिर आज की योगी कैबिनेट की मीटिंग में आपके लिए क्या खास फैसले सरकार की तरफ से लिए गए। यूपी के सभी ग्रुप के सी और डी कर्मियों के तबादले मानव संपदा पोर्टल के जरिए होंगे। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रेटर नोएडा का 500 बेड के अस्पताल को चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क दिया गया। आईआईटी कानपुर में बनेगा मेडिकल रिसर्च सेंटर, 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने को दी मंजूरी। लखीमपुर में हवाई पट्टे के विस्तार को मंजूरी दी गई। गांव की 655 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जाएगी, इसके लिए 271 करोड़ रुपए को मंजूरी मिली। वेतन वृद्धि से एक दिन पहले रिटायर होने वाले राज्य कर्मचारियों को मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ। बरेली में फ्यूचर यूनिवर्सिटी, गाजियाबाद में एचआरआईटी यूनिवर्सिटी को मंजूरी मिली। ओबरा में लग रहे 2 पावर प्लांट की लागत बढ़ने को मंजूरी मिली। बलिया के रसड़ा में ट्रांसमिशन सब स्टेशन की लागत 537 करोड़ करने के प्रस्ताव को मंजूरी। नोएडा में जेवर एयरपोर्ट बनाने के लिए ली गई किसानों की जमीन का मुआवजा देने के लिए धनराशि को मंजूर। बता दें कि यूपी कैबिनेट ने आज कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कैबिनेट की बैठक में कुल 42 प्रस्ताव रखे गए थे। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 29 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसे में सरकार फिर से एक्टिव मोड में आ रही है ताकि इस डैमेज को कंट्रोल करने की पॉलिसी पर काम किया जा सके। साथ ही सीएम योगी की छवि को भी तगड़ा नुकसान पहुंचा है, जिसे इन फैसलों के जरिए फिर से रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।